Students, today we will discuss worksheet number 8, which is on science subject. The worksheet is shared by Directorate of Education, GNCU of Delhi, for class 7 students. The worksheet will be shared among the students on 9th September 2020. You have write your name and your class teacher name here. The topic of the worksheet is motion and time. मोशन मतलब गति और समय. अब बच्चों वर्कशीट को अभी पढ़ना शुरू करें. सम ऑब्जेक्ट्स आर स्टैटिक, दे डोंट मूव, लाइक ट्रीज, मोबाइल, टीवी एक्सेट्रा, वाइल सम ऑब्जेक्ट्स कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर, दे आर सेट टू बी मोशन सच एज बस एंड कार. बच्चों कुछ ऑब्जेक्ट स्टैटिक होते हैं, एक ही जगह रहते हैं, जैसे पेड़ हो गए, मोबाइल हो गए, टीवी हो गए. और कुछ जो वस्तुएं होती है उसमें मोशन होता है, गति होती है, जैसे बस और कार. हम बस और कार को हम अगर ड्राइव करते हैं तो हमने देखा होगा उसमें गति होती है, वह चलती है और कुछ दूरी तय करती है. अब यहाँ पे लिखा हुआ स्लो और फास्ट, धीमे और तेज. धीमे और तेज का कैसे पता चलता है बच्चों? यहाँ देखिए, यहाँ पे एक पिक्चर दिया गया है. द मोशन ऑफ सम ऑब्जेक्ट इज स्लो वाइल दैट सम अदर इज फास्ट. वो मोशन से पता चलता है कि अगर मोशन स्लो है तो वस्तु की जो गति होगी वो स्लो होगी, और अगर फास्ट है तो गति फास्ट होगी. तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक चित्र दिया गया है, उस चित्र के बेस पे यहाँ पर इन्होंने 3 क्वेश्चन पूछे हैं. इन द गिवन पिक्चर फाइंड आउट विच मूव फास्ट इन कंपेरिजन बिटवीन. पिक्चर को देखना, बताना है कि कौन सी वस्तु फास्ट है, कौन सा ऑब्जेक्ट फास्ट है, कौन सा नहीं है. तो अब देखिए पहला जो क्वेश्चन है कार और साइकिल में बताना. बच्चों आपको कार दिखाई दे रही है, ये रही कार, और साइकिल को देखो, जो फास्ट है वो आगे है, जो धीमे वो पीछे है. तो यहाँ पर कौन सी फास्ट है? यहाँ पे कार है, कार फास्ट है. ऐसे स्कूटर और अगर कार को कंपेरिजन करते हैं तो कार आगे चल रही है और स्कूटर पीछे चल रहा है. तो यहाँ पर भी क्या है? कार फास्ट है, स्कूटर स्लो है. इसी तरह से जो क्वेश्चन नंबर 3 है, साइकिल और स्कूटर्स में कंपेरिजन करना है, यानी ये स्कूटर है, ये साइकिल है, साइकिल स्कूटर से पीछे है, तो इसका मतलब स्कूटर इज मच फास्टर देन साइकिल. ठीक है बच्चों, ये आपको समझ में आ गया होगा. अब आगे देखते हैं. आगे इन्होंने 3 पिक्चर दे रखी है, यानी 3 चित्र बनाए, 1, 2, 3, जिसमें ये दिखाया गया है कि एक दौड़ हो रही है और दौड़ में कौन जीता. द डिस्टेंस मूव्ड बाय ऑब्जेक्ट इन द गिवन टाइम कैन हेल्प अस टू डिसाइड विच वन इज फास्टर और स्लोअर. तो डिस्टेंस जो कवर करनी होती है, तो कौन सा ऑब्जेक्ट कितने समय में वहाँ पर पहुँचा, मतलब पर्टिकुलर समय में कौन सबसे पहले पहुंचा, उसको कहते हैं हम डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस कवर की, इसको कहते हैं स्पीड. यहाँ पर देखिए, ऑब्जर्व द रेस इन द अबव 3 पिक्चर्स एंड राइट. इन तीनों पिक्चर्स को बच्चों ऑब्जर्व करो और लिखो कि कौन इन तीनों में से तेज था. तो हम देखो बच्चों, A, B, C 3 बच्चे हैं, तीनों भागना स्टार्ट किया, तो बीच में कौन था? जब भागना स्टार्ट किया तो B सबसे आगे है, फिर C है, फिर A है. जो लास्ट में कौन है सबसे आगे? A है, फिर है C या B. ठीक है बच्चों, तो लास्ट सबसे पहले कौन पहुंचा? A पहुंचा. तो A ने जो निश्चित समय था, जो टाइम था, उसमें अपनी गति उन्होंने बढ़ाई और वो पहले पहुंची है. तो कौन सा फोन फास्ट है ABC में से? A, जो कि चित्र में से देखने के बाद साफ साफ पता चल रहा है. अब आगे देखिए क्या लिखा हुआ, वन हु टेक्स द शॉर्टेस्ट टाइम टू कवर द सेम डिस्टेंस हैज़ द हाईएस्ट स्पीड. देखिए बच्चों, इन्होंने यहाँ पे लिख भी दिया है, जो सेम डिस्टेंस है बहुत कम समय लेता है पहुँचने में, तो उसको क्या कहते हैं? उसकी वो सबसे तेज स्पीड थी, हाईएस्ट स्पीड थी. अब यहाँ पे देखिए स्पीड का इन्होंने एक डेफिनेशन दे रखी है, द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट. यहाँ पे फॉर्मूला स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड टोटल टाइम टेकन. ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, क्योंकि अभी आगे क्वेश्चंस में काम आएगा. यहाँ पे एक डायग्राम सा बना रखा, मोशंस इज डिवाइडेड इन 2 सब कैटेगरीज, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन. यूनिफॉर्म मोशन, एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन विद ए कॉन्स्टेंट स्पीड. यूनिफॉर्म मोशन, मोशन में क्या होता है कि जो स्पीड होती है वो कॉन्स्टेंट होती है. अगर मैं गाड़ी चला रहा हूँ 60 की, तो 60 की में गाड़ी चल रही है, तो एक कांस्टेंट स्पीड है. अगर मैं रोक के चला रहा हूँ 60, 50, 40, 20, तो ये क्या है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है. इसको देखिए लिखा भी हुआ, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन कीप्स चेंजिंग जो कि जो मोशन है, जो मूविंग ऑब्जेक्ट की मूविंग वो चेंज होता रहता है, तो इसको क्या कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब यहाँ पे कुछ दो क्वेश्चन दे रखे हैं, खुशी है ये सोनी है, इन दोनों की कन्वर्सेशन है। पहले क्वेश्चन में देखिए, खुशी एंड सोनी आर टू सिस्टर्स, ये दोनों बहनें हैं। बोथ गो टू सेम स्कूल, दोनों सेम स्कूल में जाती है। खुशी रीचेज द स्कूल इन 12 मिनट्स, इनको टाइम लगता है 12 मिनट का। वाइल सोनी रीचेज इन 15 मिनट्स, सोनी को लगता है 15 मिनट का टाइम। हु मूव्स फास्ट एंड हु मूव्स स्लो, बच्चों बताना कौन तेज चल रहा था, कौन स्लो चल रहा था। अगर हम फास्ट की बात करते हैं तो इसको टाइम कम लग रहा है, तो ये जो खुशी थी ये फास्ट है, और ये सोनी जो है ये स्लो है। ठीक है बच्चों, तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया, आप इस ऐसे लिख लेना। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देयर स्कूल इज 600 मीटर फार फ्रॉम देयर होम, स्कूल डिस्टेंस कितनी बच्चों, स्कूल डिस्टेंस 600 मीटर लिख दिया मैंने यहाँ पर। दे रीच इन 60 सेकेंड, they reached in 60 सेकेंड। वट इज द स्पीड ऑफ द कार, स्पीड बताने बेटा, स्पीड क्या होती है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। तो डिस्टेंस कितनी है, 600 मीटर है, 600 और टाइम कितना लगा 60 सेकेंड का, तो इसको आपस में अगर काटते हैं तो कितना आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। तो आपका आंसर हो गया। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस हमें यहाँ दिखाई दे रहा है 600 मीटर है और समय लगा 60 सेकेंड का। तो बच्चों आज की जो वर्कशीट थी, वर्कशीट नंबर 1 जो कि विज्ञान विषय पर थी, यानी साइंस टॉपिक पर सब्जेक्ट पर थी। तो आज की वर्कशीट में बच्चों इतना ही था। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।